हेलो फ्रेंड्स आज हम और एक टॉपिक पे ऐसे राइटिंग के आइडियाज़ देखने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिक पॉल्यूशन तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन पे हमें किस प्रकार के ऐसे पूछे जा सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कुड बी आस्ट ऑन द काजेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन विद द इफेक्ट्स और आपको इसको सॉल्व करने के तरीके भी पूछे जा सकते हैं सो योर ऐसे कुड बी वट आर द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड वट आर द सोल्यूशन और हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक सोल्यूशन फिर आपको पूछा जा सकता है प्लास्टिक इन एवरी डे लाइफ आउटंटेजेस यानी क्या आपको लगता है कि रोज बरोज के जीवन में हम जो बहुत सारा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं इस्तेमाल करते हैं इसके जो डिसवांटेजेस है वो फायदे से ज्यादा है सो so यहाँ पे आपको प्लास्टिक यूजेज के डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे विथ मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट जो एक्चुअली पॉजिटिव इफेक्ट से ज्यादा है

होता है सबसे पहला रीज़न है लेटरिन यानि कचरा यहाँ वहाँ फेंकना प्लास्टिक का कचरा पीपल बाय डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स लाइक बॉटल्स प्लास्टिक बैगस रैपर्स रेजर्स एक्सेट्रा एंड देन डू नॉट डिस्पोज दैम प्रॉपरली सो दिस इज़ वन मेजर रीजन वाई प्लास्टिक पॉल्यूशन इज कॉज देन अनादर रीजन इज ओवर यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय ह्यूमन सिंगल यूज प्लास्टिक इज दोज काइंड ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स विच कैन बी यूज ओनली वंस एंड देन दे हैव टू बी थ्रोन अवे The third reason is failure to recycle or upcycle the plastic products. The next reason is the world is becoming more and more dependent on plastic and using plastic for most of the things. And the grocery industry is using plastic for packaging almost in everything that we buy. Finally, fishing nets are also made from plastic which causes ocean contamination. So these could be some of the reasons why plastic pollution is happening. Let us now look at the effects of plastic. एंड इट्स पॉल्यूशन सो द फर्स्ट वन इज इट इफेक्ट्स द एनवायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ सो ये सिर्फ ह्यूमन्स को नहीं पर्यावरण को भी इसकी असर होती है बुरी असर होती है लॉन्ग टर्म यूजेज एंड एक्सपोजर ऑफ प्लास्टिक्स टू हाई टेम्परेचर्स कैन लीड टू लीकेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स इन टू फूड ड्रिंक्स एंड वाटर यानि ऐसा कोई खाना या फिर कोई आ, पीना जो हमने प्लास्टिक में स्टोर किया है तो उसका अगर लॉन्ग टर्म यूज़ होता है और अगर वो खाना हाई टेम्परेचर को एक्सपोज़ होता है तो हो सकता है इस पर्टिकुलर प्लास्टिक से टॉक्सिक केमिकल का लीकेज हो और वो हमारे खाने में या पानी में या फिर कोई भी ड्रिंक्स में आ जाए

The next negative effect is open air burning of disposed plastic releases toxic chemicals and can cause public health hazards. So यहाँ वहाँ plastic को जब हम फेंकते हैं और उसको जब जलाया जाता है तो उससे toxic chemicals release होते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को health का हैजार हो सकता है और दूसरा कारण है प्लास्टिक टेक्स अप स्पेस तो ये हो गए सारे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स पोल्यूशन अब थोड़े बहुत एडवांटेजेस देख लेते हैं क्योंकि शायद आपको एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है ऐसा अगर पूछा गया तो आपको थोड़े प्लास्टिक के फ़ायदे भी लिखने चाहिए क्योंकि फ़ायदों की वजह से ही लोग बहुत सारा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ये तो हम जानते हैं इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो इट कैन बी इजिली मोल्डेड इन टू वेरियस शेप्स इट इज़ लाइट वेट इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स एंड इट इज इजी टू मेंटेन एंड कन्वीनियंट टू यूज सो ये हो गए सारे प्लास्टिक के एडवांटेजेस हमने देखा कि इसके कंपैरिजन में जो सारे डिसएडवांटेजेस है वो बहुत ही खतरनाक है तो उसका जो पलड़ा है वो डेफिनेटली एडवांटेजेस से ज़्यादा भारी होगा सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के सबसे पहला अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स सच एस ड्रिंकिंग स्ट्रॉज प्लेट्स स्टरर्स कंटेनर्स बैग्स एक्सेट्रा सो ये सारा हमें अवॉइड करना चाहिए टेक अ क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग रिसाइक्लिंग एंड अपसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक इज असेंशियल रिप्लेस प्लास्टिक विथ रीयूजेबल वर्जनस लाइक क्लॉथ ग्लास पेपर वुड और स्टील कंटेनर्स क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि प्लास्टिक की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसके बारे में हमें जागृति फैलानी चाहिए गवर्नमेंट कैन बैन प्लास्टिक अनाउंस पेनल्टी एंड पनिशमेंट सो प्लास्टिक को बैन करना चाहिए किया ही है हमारी गवर्नमेंट ने और अनाउंस करना चाहिए कि अगर आप प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक खास करके अगर यूज़ करते पकड़े गए तो आपको पेनल्टी और पनिशमेंट होगी ऑर्गेनाइज बीच एंड माउंटेन क्लीनिंग कैम्पेन्स हम ज्यादातर देखते हैं कि बीचेस पे पर्यटन के स्थलों पर या फिर माउंटेंस पे बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें खास करके पानी की बोतलें फेंकी जाती है तो इसे क्लीनिंग के कैंपेंस हमें शुरू करने चाहिए ऑर्गेनाइज करने चाहिए एंड फाइनली अप्रीशिएट पीपल हु से नो टू प्लास्टिक जो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते उनको हमें अप्रीशिएट करना बहुत ज़रूरी है सो so ये हो गए थोड़े बहुत सोल्यूशंस टू प्लास्टिक pollution. Data or facts agar hum plastic pe, then more than 5 trillion pieces of plastic are already floating in our oceans. Worldwide, 73% of beach litter is plastic. Filters from cigarette butts, bottles, bottle caps, food wrappers, grocery bags and throwaway containers. 11% of household waste is plastic, 40% of which is plastic bottles. प्लास्टिक कप कैन टेक अपू 50 टू 80 ईयर टू डीकम्पोज प्लास्टिक ज्यादातर डीकम्पोज होता ही नहीं है ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि 400 से 500 साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में एन एस्टिमेटेड थर्टीन बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स आर डिस्पोज ऑफ ईच ईयर प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक गार्बेज थ्रोन इन टू दिन किल एज मैनी एज वन मिलियन सी क्रिएचर्स एवरी ईयर सो ये सारा डेटा है फैक्ट्स है अगर आप इन चीजों को सपोर्ट करेंगे आपके पॉइंट्स के साथ ऐसे में तो डेफिनेटली आपके ऐसी की वैल्यू एनरिच और एनहेंस हो जाएगी कुछ एग्जांपल्स हैं मैंने आपको पास्ट में कहा था इसी वीडियो में कि हमने आ, मैंने एक काउ का एग्जांपल दिया है सो काउ दैट ईट प्लास्टिक आर फाउंड टू इवेंचुअली स्टॉप ईटिंग रेगुलर फूड प्लास्टिक इनवेट्स देर इंटरनल ऑर्गन टॉक्सिक केमिकल्स लाइक डायऑक्सिन फाउंड इन देयर मिल्क सो जब गाय प्लास्टिक खा जाती है गलती से आ, या फिर माइक्रो प्लास्टिक उसके शरीर में चला जाता है तो गाय जो दूध देती है उसमें डाओक्सिन नाम का एक केमिकल पाया गया जो हमारे ह्यूमन सिस्टम के लिए टॉक्सिक है इवन गाय के लिए भी ये घात की है सो ये हो गया एक एग्जाम्पल प्लास्टिक पॉल्यूशन का हालांकि अभी बहुत ही रिसेंटली एक सर्वे बाहर आया है जो बहुत ही डरावना है कि ह्यूमन ब्लड में ट्रेसेस पाए गए माइक्रो प्लास्टिक्स के विच इज़ वेरी वेरी यू नो अलार्मिंग एंड डेंजरस टू हियर कि हमारे ब्लड में भी माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं अब देखेंगे कुछ सिनोनिम्स जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द वर्ड पोल्यूशन सो प्लास्टिक पोल्यूशन की जगह आप बोल सकते हो प्लास्टिक कंटामिनेशन कंटामिनेटिंग एडल्ट्रेशन इम्प्योरिटी फाउलिंग सॉइलिंग एंड फिल्दीनेस सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स लिखे और मैं आपको उनके आइडियाज दूंगी जो भी टॉपिक्स पे आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोजिक्स एंड ट्राई टू हेल्प यू कीप चिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन ऑर्डर टू नो एनी फर्दर डिटेल्स ऑन बुक्स ऑफ सच टॉपिक्स ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज विच इज ऑन द सेम नेम बेस्ट स्टाइल्स एंड इंग्लिश अकेडमी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन And if you have any query, any question, then you can WhatsApp me. The number is right below in the description box. Thank you.